आराध्य होउछंती महाप्रभु जगन्नाथ। आउ एही महाप्रभुंक जोड़ा आषाढ़ समय हुए नवकलेबर, नूतन दारु संधान करा जाय हुए नूतन शरीर निर्माण। एही कार्य 100 वर्ष आगुरु हुई आसुछि जहाँ कहिछि मादळा पांजी। आउ एही नवकलेबर समय रे उत्सव मुखर हुए माँ मंगलांक पीठ काकरपुर अधिष्ठात्री देवी। गंगाटू पवित्र प्राची तटरे माँ को देउळ आउ एहार पश्चिम पटे शोभा मंडित करे एक मठ जहार नाम रोहिणी कुंड। पुराण कहे एहा होची त्रेतया जुगर आश्रम। ऋषि गौतम एठि तपस्या करिथिले। रक्तबाहु जेउं समय रे जगन्नाथ मंदिर उपरे आक्रमण करिथिले सही समय रे पुरीरु चतुर्ध मूर्ति को नेई सोनपुर रे पाताली करा जायथिला। 144 वर्ष पर उत्कल जजाति केशरी राजुति में आदि शंकराचार्य उत्कल परिभ्रमण से आसी राजा शंकराचार्य परामर्श नहीं जगद्गुरु साधन सोनपुर पाताली मूर्ति मान उधार करते क्षत विक्षत शरीर में पुनः उद्धार पर काकरपुर प्राची तटे माँ मंगला आराधना करने को परामर्श देते माँ मंगला आराधना कर माँ को स्वप्न देश में प्राची तटरु चारि ठाकुर दारु निर्णय होता। गौतम ऋषि आश्रम रोहिणी कुंडर बड़ ठाकुर बलभद्र आद्य व प्रथम दारु मिलता जहाँ मादला पांची और जगन्नाथ संस्कृति गवेषकों ठू जानवाक मिली काकटपुर मंगला जाकर माँ को पाखे आपत्ति करवा अधिया पड़ दारुर संधान से देवे तापर से आसिक माँ का पाखे जो राजा को पूजी राजा निजे पाठ पटवार ब्राह्मण पंडित मान धरिक आठ अधार रही अधार रही निर्देश हेले। दर्शक बंधु दुख और दुर्भाग्यर कथा एही क्षेत्र रे दारु स्थान बोली आज पर्यंत कौनसी रथर चक मिलनी जहाँ को नहीं काकटपुर जगन्नाथ प्रेमी मानक भितर एक प्रकार क्षोभ रही। जिला प्रशासन और सरकार एथिप्रति दृष्टि दे ए क्षेत्र को आद्य दारु क्षेत्र मान्यता मुताबक रथ चक प्रतिष्ठा करने को दावी करिसंति जगन्नाथ प्रेमी। तेणु ये चारि पीठ महान पीठ जगन्नाथ संस्कृति सहित ओतप्रोत भाव जड़ित आद्य लीला क्षेत्र जगन्नाथ आद्य दारु क्षेत्र जगन्नाथ ये चारि जगह जगन्नाथ संकेत रहा उचित से यही रथ चक जहाँ गजपति महाराज कही देवे बिली य दारुरे गोटे स्थायी चक्र रु जोटा कि आम गोटे जगन्नाथ आम स्मृतिटा ये रो बोली गोटे आशा कराला तेणु आम पाखे से भाई गच्छ ना जदि था हूँ तो आम आशा करूँ पाखापाखि अंचल जो संग्रह हम जदि तेल गोटे जा गोटे चक रू जदि आपण मानक उद्देश्य रोज जगन्नाथ पाखे गोटे चक रखा स्थायी भाव में पूजा पाइबापा आपण मैंने चाहिए करें। सुशोभित परिवेश घंच अरण्य मध्यरे शोभा मंडित करुछि एही महर्षि गौतम ऋषि आश्रम। रोहिणी कुंड मठ को अनेक समय रे किछ आध्यात्मिक लोक एही सुंदर परिवेश भितरे प्रसाद रोसे करबा स आनंद मध्य नियंती जेमितिका क्लांति थाउ जे थरे एही आश्रम को आसीछि ता मनरे शांति से निजे ही अनुभव करिछि। हेले कहिबाकु गले एही आश्रम को भलो रास्ता टिए नाही जहाकु नै लोक माने असंतोष प्रकाश करुछन्ती।